पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने आकर बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास पर हंगामा करना शुरू कर दिया। गाली गलौज की बात सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव हमारे साथ हैं। तेज प्रताप जी, आपने क्या मामला हुआ? मामला हुआ था, हम थे यहाँ अपने आवास पर और हम विधानसभा जाने का तैयारी कर रहे थे, तो मैं अंदर बैठा हुआ था अपने घर पर, तो कुछ 20-30-50 झुंड बना करके लड़के लोग वहाँ पे गेट के बाहर हंगामा कर रहे थे। तो मैंने आवाज़ सुना, मैं गया देखा तो ये लोग हमारे जो सिक्योरिटी हैं बलवीर, ये उसका हथियार छीनने का काम कर रहे थे। अब कौन है, क्रिमिनल माइंडेड है, किस पार्टी से आए हैं, कौन लोग इनको भेजे हैं या हमला हमारे ऊपर करवाना है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इस तरीके विधानसभा विधानसभा भी चल रहा है और इस तरीके का हुजूम बना करके यहाँ पे, तो पहले तो प्रशासन को इसको वहाँ रोकना चाहिए कि इतना हुजूम यहाँ कैसे आ गया। तो छात्र थे, हमने उनसे मिलने का भी काम किया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, गाली दे रहे हैं, माँ बहन का गाली दे रहे हैं, तो कोई छोड़ देगा? छोड़ेंगे उनको? हमने तुरंत थाना वाले को फ़ोन किया, थाना वाले खुद दे करके गए और इसमें बात आ रहा कि हमारे बाउंसर को, हमारे बाउंसर कहाँ कुछ किए हैं, वो तो अंदर थे, वो मेरे बाउंसर का भी कुछ नहीं किया। सीसीटीवी भी लगा, उसका फुटेज भी है, उसमें चलता टोटली। ये लोग हमारे ये भाजपा वाले और ये गगन को जो हमारा लड़का है छात्र का, ये जो उसको मारे हैं, ये सब उन लोग को जो मारने वाला जो लड़का था अंशुमन, ये भेजा है। और फिर जब ये लड़का सब को थाना जब भेज दिया गया, तो फिर एक अंशुमन नाम का लड़का है जो कि गगन को मारा था, वो हमको फ़ोन करके धमका रहा, हमको फ़ोन करके धमका रहा कि यूनिवर्सिटी आइएगा तो हम देख लेंगे, वो सब ऐसा नहीं किया होगा। मतलब कि तुरंत इस बम फेंकवाने के लिए, नहीं बम फेंकवाने के लिए यूनिवर्सिटी का ही सब लड़का सब बोला है कि आप आइएगा यूनिवर्सिटी में तो हम देख लेंगे, बम फेंकवाएंगे। प्रतिनिधि के होने के नाते ये लोकतंत्र देख लीजिए पूरे तरीके से चौपट हो चुका है, पूरा खतरा में जा रहा है, या नेता सुरक्षित नहीं, हिम्मत लोगों की हो गई, नहीं हिम्मत हो गई है, कल तक कुछ भी कर दे, हमें सुरक्षा नहीं, हमने सुरक्षा का भी मांग किया, अनदेखी करने का काम कर रही है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने का काम कर रही है। तो एक प्रतिनिधि है यहाँ पे, क्या लगता नहीं है क्या? नहीं, ये लोग आए थे हमको मरवाने के लिए आए थे यहाँ पे, पूरा सीसीटीवी का फुटेज है सब, हमारे थाना जो सुरक्षा है उनको गाली देने का काम किया, उनकी माँ बहन को गाली देने का काम किए हैं ये लोग, ये सब लड़के। अब बोलते हैं पढ़ने लिखने वाले, ये सब कोई पढ़ने लिखने वाले लड़के नहीं है, ये सब छेड़छाड़ करने वाले लड़के हैं जो सड़क पर घूमने वाले हैं। इन लोगों को सख्त कार्रवाई हो सरकार की तरफ से, हम ये बोलते हैं सरकार को, हमने लिखित में भी दिया, आप तैयार भी करने का हमने काम किया क्या? और मेरे सारे जवान हैं उसमें लिखने का काम किया है, सब लोग साइन करके उसको भेजने का काम किया। क्या लगता है इस तरह से आपकी पोजीशन बढ़ते जा रही है लगातार, युवा में बड़े नेता उभर रहे हैं? नहीं, आप देख लीजिए, आप कार्यक्रम हमारा लगातार कार्यक्रम लगा है, बदलाव यात्रा हमने लगाने का काम किया, हजारों हजार पढ़े लिखे नौजवान युवा आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और ये कैसे पता है पार्टी के किस पार्टी के लोग हैं, आरएसएस या बजरंग दल के लोग हैं, ये भेज करके यहाँ तमाशा करवाने का काम कर रहे हैं, हमारा जान लेना चाहते हैं ये लोग। लेकिन सर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर लोग घूम जाना, इस तरह रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि किस तरीके से फेल हुआ है, चूक हुआ है। अभी विधानसभा में सब 12 सिक्योरिटी सब को एथी किया गया, सस्पेंड क्यों नहीं, तो ये चीज जो प्रशासन के हैं उनको देखना चाहिए कि विधानसभा यहाँ चल रहा है और उतना हुजूम में जो लड़के यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये कैसे आ गए हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, प्रशासन के ऊपर भी सवाल नजर आ रहा है कि इतने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इतनी बड़ी संख्या में छात्र पहुँचते हैं लेकिन हंगामा भी करते हैं, और प्रशासन को जब पता तब चलता है जब तेज प्रताप यादव को पुलिस को बुलाता है कि इनके ऊपर साजिश हुई है और जिस तरह मतलब घटना घटी, एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस तरीके से ये छात्रों के लिए राजनीति कर रहे हैं, युवाओं की सोच समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र में ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शदाब खान के साथ आफ्ताब आलम, LR News 24x7 पटना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शुक्रिया।